विधानमंडल शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन, जहां सदन कार्यवाही के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। जहां प्राकृतिक रूप से विपक्ष का सरकार के खिलाफ विरोध दिखाई दिया, तो वहीं सदन के बाहर आंदोलकों ने अपनी मांगें रखी। आज शीत सत्र के तीसरे दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए किसान को मदद के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सदन में इस पर चर्चा रखी गई है और किसानों को मदद की जाएगी। साथ ही प्याज निर्यात पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री से बात चल रही है, तो उसी बात को दोहराते हुए वन एवं सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने भी नुकसान के पंचनामे होने के बाद मदद प्रक्रिया की शाश्वती दी। कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची जी काही भूमिका आहे, या बाबतीत मी त्यांना अवगत केलेलं आहे। एक सकारात्मक त्याच्यातून निर्णय होईल अशा प्रकारची अपेक्षा। गृहमंत्री अमित शहा साहेबांशी, संबंधित मंत्री महोदयांशी आम्ही नक्की त्यांची वेळ घेऊन भेट घेऊ। शेवटी राज्याचे जे प्रश्न आहेत केंद्राशी निगडीत, ते नक्की त्याच्यावर चर्चा आम्ही करू आणि राज्यातल्या जनतेला जनतेवर कुठलाही अन्याय होणार नाही, केंद्र सरकारची पण तीच भूमिका आहे। त्यामुळे नक्की त्या बाबतीमध्ये विचार होईल, चर्चा होईल। काल परवा गेल्या देखील आपण पाहिलं की इकडे नागपूर भागात विदर्भात पाऊस पडलेला आहे, धानाचंही नुकसान झालेलं आहे आणि त्यामुळे युद्ध पातळीवर पंचनामे करण्याच्या सूचना ऑलरेडी दिलेल्या आहेत आणि तशा प्रकारचं काम सुरू आहे आणि एकंदरीत सगळे पंचनामे एकत्रित आल्यानंतर त्याच्यावर लवकर सरकार तातडीने निर्णय घेईल आणि शेतकऱ्यांना अग्रिम रक्कम जी आहे 25%, ती अनेक कंपन्यांनी बऱ्याचशा कंपन्यांनी देण्याचा निर्णय घेतला, वाटप सुरू आहे। ज्या ठिकाणी अडथळे आहेत ते अडथळे देखील सरकार म्हणून दूर करू आणि शेतकऱ्यांना जी मदत आहे, कारण शेतकऱ्यांना पीक विमा योजना रुपयामध्ये देण्याचा उद्देश सरकारचा एवढा आहे की शेतकऱ्याला कुठलेही दोषीच लागू नये, शेतकऱ्याला त्याचा फायदा झाला पाहिजे। अशा पद्धतीचं राजकारण शिकवण्याचा प्रयत्न करता, जनतेने यांचा नकाब टराटरा फाडले पाहिजे। नाही, दिग्विजय सिंग म्हणजे मध्य प्रदेशचे, वा ते जिथं जिथं जातात तिथं तिथं सोबत पराभव घेऊन जातात। आता ते शरद पवार साहेबांनी उद्धव साहेबांसोबत जाणार असेल तर मी दिग्विजय सिंगांना खूप खूप धन्यवाद देतो की ते येऊन आमचा विजय निश्चित करून जाते। काय प्रतिक्रिया देणार आहे? अहो, तर्कसंगत आंदोलन करा ना। तुम्ही सांगू शकता ना 47 वर्ष 2 महिने 1 दिवस हे तुमचं सरकार होतं, नंतर उद्धवजींच्या सोबत जनतेशी जनादेशाचा अवमान करत 2 वर्ष 8 महिने सरकार होतं, तर तुम्ही सांगा ना आम्ही दिवे गावगे, तुम्ही हे दिवे का गावत नाही म्हणून। तुम्ही तर्कसंगत भाषण करा ना, कोण सांगितलं? तुम्ही सांगा शेतकऱ्यांसाठी आम्ही बांधावर जाऊन 50,000 रुपये मदत घोषित करण्याचा संकल्प केला होता, मातीची शपथ घेतली होती, पण नंतर मात्र सरकारमध्ये आल्यावर माती खाल्ली, मग का नाही केलं 50,000 रुपये? तर्कसंगत विरोध असला पाहिजे, सत्तेच्या बाजूने निकाल दे, मग अपेक्षित काय? संविधानामध्ये 370 कलम ही तात्पुरती आहे आणि तीही पंडित नेहरूंच्या आग्रहाखातर। जर संविधान सभेनी 50 वर्ष संविधानाला जेव्हा पूर्ण झाली तेव्हा संविधान सभेची सारी डिबेट हे पुस्तक रूपाने प्रकाशित केली आहे, तुम्ही वाचा। तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये 370 होतं, स्थायी स्वरूपामध्ये नव्हतं, कारण तेव्हा आपल्याला माहिती आहे की 565 जी संस्थानिकं होती त्यापैकी 3 संस्थानिकं काश्मीर, जुनागड आणि हैदराबाद हे भारतामध्ये विलीन व्हायला तयार नव्हते। हैदराबाद संस्थानला सरदार वल्लभभाई पटेलांनी पंडित नेहरूजी मास्कोला गेलेत आणि ईश्वराच्या कृपेने, तेव्हा इंटरनेट नव्हतं, व्हॉट्सॲप नव्हतं, बरं झालं, सरदार वल्लभभाई पटेलांनी तेव्हा आर्मीचे लोक ऑपरेशन पोलोच्या माध्यमातून पोलीस वेशामध्ये पाठवून त्या निजामाचं कंबरडं मोडलं। जे रझाकार सर्वसामान्याचं रक्त पीत होते त्या 1200 जास्त रझाकारांना गोळ्या घालून ठार केलं आणि आम्ही हैदराबाद संस्थान अन्यथा भारत मातेच्या पोटाचा हा कॅन्सर राहिला असता। तेव्हाच काश्मीरमध्ये सुद्धा काही लोकांनी दबाव टाकला आणि तेव्हा मग 2 संविधान 2 निशाण 2 प्रधान हा विषय निर्माण झाला। 370 हे पंडित नेहरूंच्या हट्टापायी तुष्टीकरणासाठी तेव्हा 370 तात्पुरतं टाकलं। आता ते काढलं, संविधानातच तरतूद आहे।
तर हा प्रश्नच कुठे येतो की कोर्टामध्ये गेल्याने सूर्य आता पूर्वेकडून उगवतो की पश्चिमेकडून उगवतो? सुप्रीम कोर्टात केस गेली म्हणून काय पश्चिमेकडून उगवणार आहे का? हजार वकील जरी उभे झाले तरी तो पूर्वेकडूनच उगवणार आहे, याच्यामध्ये कुठं प्रश्न आहे? वही सत्र में परंपरा अनुसार विपक्ष ने सरकार को घेरने का अवसर साध लिया, जहां शीत सत्र के तीसरे दिन महाविकास आघाड़ी प्याज के मुद्दे को लेकर आक्रामक दिखाई दी है। प्याज के निर्यात बंदी का निषेध करते हुए प्याज लेकर महाविकास आघाड़ी के नेताओं के विधान भवन परिसर में सरकार के विरोध में नारेबाजी की, जहां विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने राज्य सरकार को प्याज के मुद्दे पर घेरा, तो वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। ना बिल्कुल, जो प्याज पे जो निर्यात बंदी सरकार ने ली है ये किसानों के खिलाफ की नीति है, इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाए। सरकार ने जो नुकसान हुआ है, जो 4,000 रुपये तक प्याज था वो 1200 तक 1300 तक 1400 तक आया है, इसमें का जो फासला है कीमत का वो सरकार ने उसके लिए कुछ तो मदद करना चाहिए किसानों को। माझं तर म्हणणं असं आहे की आता ही थोतांड खूप झाली, अजूनही अवकाळीबद्दल पंचनामे होत आहेत की नाही काहीच कल्पना नाही, गारपिटीचे पंचनामे झाले असतील नाही कल्पना नाही, कारण आम्ही दरवेळेला शेतकऱ्यांकडे जातो, यावेळेला मी गेलो नाही शेतकऱ्यांच्या बांधावर। कारण काय होतं की मलाच असं वाटतं की आपण जातो, शेतकरी मोठ्या विश्वासाने माझ्याशी बोलतात आणि मी त्यांना सांगतो, जेव्हा मी मुख्यमंत्री होतो तेव्हा इकडेच जे अधिवेशन झालं होतं ह्याच अधिवेशनात मी शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती जाहीर केली होती आणि ती अंमलात आणली होती। तशीच जर का त्यांना हे पंचनाम्याचं वगैरे थोतांड आता करता येत नसेल तर शेतकऱ्यांची पुन्हा एकदा कर्ज मुक्ती करा, ही शिवसेनेची आग्रही मांग। आज का सदन लव जिहाद के मुद्दे पर गुंज उठा, जहां नितेश राणे ने लव जिहाद कानून की सिफारिश की, तो वहीं मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के वक्तव्य पर निषेध जाहिर किया, जहां उन्होंने स्पष्ट किया कि लोढ़ा गलत जानकारी दे रहे हैं, इस मामले में मंत्री पर कार्यवाही करनी चाहिए। आमच्या हिंदू माता भगिनींना धमक्या द्यायच्या, घाबरवायच्या, घाबरवायचं आणि त्यांना केस न देण्यापर्यंत किंवा पोलिसामध्ये तक्रार न देण्यापर्यंत एवढी भीती त्यांच्यामध्ये आणायची, म्हणून केस त्या समितीपर्यंत पोचूच नये, त्या पोलीस स्टेशनपर्यंत पोचूच नये, अशा पद्धतीचे सगळे प्रयत्न ह्या जिहादी विचाराचे त्यांचे सगळे लोक करतात। आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांचे समर्थक हे जे काय आमदार आहेत, आजमी असो किंवा त्यांचा जो जो दुसरा जो काय आहे भाग 2 पार्ट 2, ते लोकांचं म्हणणं आहे की लव जिहादचे केसेस देत नाही। अरे तुमचे लोक अगर आमच्या माता भगिनींना घाबरवलं नाही, भीती नाही पसरवली, तर दिवसाचे लाखो संख्येने किंवा हजारोच्या संख्येने केसेस दाखल होतील। काही पुरावे आमच्याकडे आहेत, वर्ध्याला झालेली केस माझ्या नजरेसमोर आहे, जिथे माझ्याकडे चॅट आहे जे मी सभागृहामध्ये दाखवणार आहे, जिथे कुठल्या कशा पद्धतीने माझ्या एका हिंदू बहिणीला छळण्याचं काम, घाबरवण्याचं काम, की तू पोलिसांकडे गेलीस तर तुला मी जाळून टाकीन, असं या जिहादी विचाराच्या एका तरुणांनी तिला सांगण्याचे पुरावे माझ्याकडे आहेत। म्हणजे एका बाजूला आमच्या हिंदू माता भगिनींना घाबरवायचं, भीती पसरवायची, आणि दुसऱ्या बाजूला केसेस होतच नाहीत, ती समिती बरखास्त करायची, असं भोकत राहायचं, पण ह्यांच्या भोकण्याला आम्ही काय महत्त्व देणार नाही। मंत्री महोदयाने, बाल कल्याण मंत्रालय के जो मंत्री महोदय हैं, उन्होंने इंटरफेथ सर्विलेंस निकाला और 8/3/2023 को मंत्री महोदय लोधा जी ने, आदरणीय लोधा साहब ने हाउस में आकर ये कहा कि 1,00,000 लव जिहाद महाराष्ट्र में हुआ है, 1,00,000 लव जिहाद। और उसके बाद 20/3/23 को हमारा आमदार श्री रईस शेख ने डिपार्टमेंट से जब रिप्लाई मंगाया तो रिप्लाई पहले रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन सांच को आँच क्या, सच्चाई जब सामने आई तो एक भी शिकायत उस वक्त तक नहीं आई थी लव जिहाद की, या कोई मुसलमान ने किसी हिंदू को फंसा कर शादी किया, इस तरह की एक शिकायत भी नहीं आई। और एक शिकायत में आने के बावजूद एक मंत्री हाउस में आकर कहते हैं 1,00,000 लव जिहाद हुआ। वही बात आज मोर्चों की करें तो लगभग 15 मोर्चों ने मोर्चा स्पॉट पर शिरकत की, जहां धनगर समाज द्वारा भव्य मोर्चा निकाला गया, जहां विधायक राम शिंदे ने धनगर समाज को एसटी कोटे में आरक्षण देने की मांग करते हुए धनगर समाज का विशाल मोर्चा अधिवेशन पर आने की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सभी नेताओं ने न पक्ष न नेता का मंत्र अपनाकर समाज के लिए साथ आना चाहिए। वहीं संघर्ष यात्रा पर तीखी टिप्पणी करते हुए रामचंद्र ने कहा है कि संघर्ष यात्रा लोगों के लिए नहीं बल्कि खुद को नेता साबित करने की यात्रा है। यात्रा में डीजे पर डांस चल रहा है, कुएं में छलांग लगाई जा रही है। जिन्होंने कभी संघर्ष किया ही नहीं वह खुद आज संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने महायुति की सरकार में शरद पवार सरकार के कार्यकाल में निकाला हुआ जीआर फडणवीस सरकार में कैंसिल करने की भी बात कही है। गौरतलब है कि आज बड़ी संख्या में धनगर समाज ने मोर्चा निकाला था। धनगर समाज एसटी आरक्षण अमल बजावणी समन्वय समिति महाराष्ट्र राज्य या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रातील धनगर समाज यशवंत स्टेडियम वरती आता एक उठलेला आहे आणि यशवंत स्टेडियम वरती महाराष्ट्र राज्याचं हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे। त्या हिवाळी अधिवेशनाकडे आगेकूच करणार आहे। गेली अनेक वर्ष किंबहुना स्वातंत्र्यानंतर घटनेमधील धनगर समाजाचं जे एसटी आरक्षण आहे त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे आणि त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून जवळपास आणि त्याच्या अगोदर कितीतरी वेळा सातत्यानं मोर्चे आंदोलनं उपोषणं रास्ता रोको सुरू आहेत आणि म्हणून आता धनगर समाज एसटी आरक्षण अंमलबजावणी समन्वय समितीच्या माध्यमातून हा मोर्चा अधिवेशनावरती निघतोय आणि म्हणून साठी खऱ्या अर्थाने ना पक्ष ना नेता असा संपूर्ण समाज एकवटलेला आहे आणि हा हिवाळी अधिवेशनावर येतोय। माझं या निमित्तानं सरकारला देखील आता निवेदन देणार आहे, त्यामुळे एसटी आरक्षणाची धनगर समाजाची मागणी तात्काळ अंमलबजावणी झाली पाहिजे हे या माध्यमातून मला सांगायचं आहे। ही स्वतःला नेता बनवण्याची यात्रा आहे आणि त्यांचेच काका राज्याचे उपमुख्यमंत्री सांगतायत की युवा संघर्ष यात्रा घेऊन गुडघ्याला बाशिंग बांधून निघालेली यात्रा आहे, कधी जीवनामध्ये संघर्ष केला नाही। तर त्यांचेच आता अजितदादा पवार गटाचे आमदार अमोल मिटकरी सांगतात की हे बालमित्र मंडळ आहे आणि म्हणून संघर्ष कसा असावा, ज्यांनी जीवनामध्ये संघर्ष केला ते खऱ्या अर्थाने संघर्ष यात्रा करतात आणि लोकांच्या समोर मार्गदर्शक आणि आदर्श ठरतात। पण यांनी जी युवा संघर्ष यात्रा काढली तर त्याच्यामध्ये डीजे पुढे डान्स केला, स्वतःच्या अंगावरती फुले उधळून घेतली, कापसं वेचायचा नौटंकीपणा केला, विहिरीत उड्या सैराट उड्या मारल्या, त्याचबरोबर तलावात सैराटपणे उड्या मारल्या आणि अशा पद्धतीनं एकमेकाच्या हातात हात घेऊन ही युवा संघर्ष यात्रा निघाली। पण राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी हे आउटसोर्सिंग जे होतं ते भरती प्रक्रियेचा जो पवार साहेबांच्या आशीर्वादाने निघालेला शासन निर्णय होता उद्धव साहेब ठाकरे यांच्या कालखंडामध्ये तो रद्द केला, त्यामुळं ही युवा संघर्ष यात्रा हा फुसका बार निघालेला आहे आणि हिंदू संस्कृतीपणे स्वतःचेच घर परिवार घेऊन निघालेली ही युवा संघर्ष यात्रा आहे आणि त्यामुळं हा युवा संघर्ष यात्रा नसून ही सपशेल अपयशी ठरलेले स्वतःच गुडघ्याला भाषिंग बांधून हा नेता बनण्याचा प्रयत्न आहे केविलवाना। आज काँग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज शाहू के घर पर पड़ी इनकम टैक्स छापेमारी में लगभग 300 करोड़ का अवैध माल बरामद किया गया है, जिसके खिलाफ नागपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सकरदरा में धीरज शाहू का पुतला जलाकर निषेध व्यक्त किया गया, जहां निरंतर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी तो युवाओं की ओर से कांग्रेस नेताओं के बैनर पर जूते मारे गए और पुतला भी फूंका गया, जहां नागपुर महानगर भाजपा के अध्यक्ष जितेंद्र कुकड़े और दक्षिण नागपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक मोहन मते इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ निषेध व्यक्त किया। नवाब मलिक के खिलाफ अगर झूठा मामला रहता न पुलिस अरेस्ट करते न कोई अरेस्ट करता और न उसको अगर झूठा मामला रहता तो कोर्ट में उनको जल्दी बेल हो जाती उनको, लेकिन इतने दिन रहने के बाद जिनका संबंध डायरेक्ट प्रूफ है उसका प्रूफ है पिछले सेशन में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जो प्रूफ उनको रखे जो दाऊद की जो संपत्ति थी उन्होंने थर्ड पर्सन के थ्रू भरवा कर ली, अगर एक झूठ रहता तो अरेस्ट नहीं होते, झूठ नहीं रहता तो अरेस्ट नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है कि ये पवार जी के बगल बच्चे जिस प्रकार का वातावरण निर्माण कर रहे हैं उसको
उस नवाब मलिक को निर्दोष साबित कर रहे हैं, ये पूरा गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन जिन लोगों ने पिछले 60 साल के अंदर 70 साल के अंदर सिर्फ करप्शन के अलावा कुछ किया नहीं, इनके सांसद पूरे करप्ट है, एमएलए पूरे करप्ट है, इसलिए इस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। ये जनता पार्टी का आंदोलन है। रियान रेड्डी ने जो स्वतंत्र वीर जी सावरकर जी का जो अवमान किया उसके खिलाफ, यानी अगर राहुल गांधी, प्रियंका खड़गे इस प्रकार के राष्ट्रभक्तों को इस प्रकार से उनका अपमान, उनको अपमानित करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हम उनको छोड़ेंगे। वही कांग्रेस भी आज आक्रामक दिखाई दी, जहां आज राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सरकार के विरोध में हल्ला बोल मोर्चा निकाला गया। कांग्रेस के सभी स्थानीय नेताओं ने 2 से 3 किलोमीटर के इस पैदल मार्च में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस वक्त उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं पर बड़ी बातें करती है, मगर असल में यह सब नौटंकी है, लगाती है। यहाँ देवेंद्र फडणवीस ने 2 बार, एक बार 72,000 की मेगा भर्ती की बात की और अभी 75,000 की मेगा भर्ती की बात की, लेकिन एक भी पद जो है वो भरा नहीं गया। जब जब इसमें एडवर्टाइज निकली है तब तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। जिन लोगों ने पैसा दिया उनको पेपर सप्लाई किया, पेपर लीक हुआ है, इसके ऊपर किसी को अरेस्ट नहीं, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं है। तो ये सबको फंसाया है, ना किसानों को MSP दी है, आज खरीफ का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं है, रबी की नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं है, कल परसों जो बारिश हुई उस बारिश में लश्करी वम जो है तो वो पूरा चना खा कर गया। लेकिन इस सरकार को हेलीकॉप्टर से जाके किसानी करने का जो सरकार बोलती है कि नमो रोजगार को बहुत युवाओं का अच्छा प्रतिसाद है, धोखाधड़ी हुई है, लोगों के जो पैसे है टैक्स के वो 5 करोड़ खर्चा कर कुछ लोगों को रोजगार हासिल नहीं हुआ है, वहाँ बड़ी तादाद में लोग जो है वो शामिल हुए, तो ये उसी का प्रतीक है कि इतने पैमाने पर लाखों लोग युवा अगर रोजगार के लिए आते हैं तो ये स्पष्ट तरीके से दिखता है कि बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। और आपने इंजीनियर को रोजगार कौन सा दिया, 10,000-15,000 का, कोई लेने वाला नहीं है वो रोजगार, तो धोखाधड़ी की है, भाजपा की एडवर्टाइजमेंट की है। पहले 75,000 रोजगार कब भरने वाले हैं, पिछले बार के 72,000 रोजगार का क्या हुआ, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। आप किसानों का मुद्दा लेकर सामने जा रहे हैं, मगर अभी जो है शिंदे और फडणवीस ने किसानों को के बांध पे जाके सर्वे किया, आप क्या बताओ? भैया नौटंकी करना और किसानों के पीछे खड़ना, इसमें अंतर है। क्या नुकसान भरपाई दी उन्होंने? नुकसान भरपाई दी? जो अंगूर है या फिर सीताफल है, अलग अलग फल बाग जो है वो खराब हो गए, उसको 50,000 दिए? तूर चली गई, तुअर चली गई, सोयाबीन चला गया, कपास चला गया, चना चला गया, क्या डिक्लेयर किया? अगर बांध पे गए हो तो उसका नतीजा क्या निकला वो तो बताओ। आपने सिलेंडर जो है 410 रुपये का टैक्स लगा लगा के 1100 रुपये कर दिया, आज भी 1000 रुपये के नीचे सिलेंडर नहीं मिलता, वो चुनाव आया इसलिए। आपने जो पेट्रोल 40 रुपये में मिलना चाहिए उस पर टैक्स लगा लगा के वो महंगा कर दिया, 100 रुपये के ऊपर कर दिया, जबकि दुनिया भर में सस्ता है सब, कच्चा तेल सस्ता है जो हम यहाँ से वहाँ से आयात करते हैं। तो सारी चीज़ों में जो है लूटमार, लूटपाट, यही सरकार की पहचान हो गई है और उसी के लिए इतना आक्रोश जो है वो आक्रोश आपको दिख रहा है। अब क्या चाहते हो आप सरकार से कि क्या होना चाहिए सरकार के लिए? सरकार ने पहले तो रोजगार भर्ती शुरू करनी चाहिए, एक साल में जितनी भी एडवर्टाइज आती है वो सब के लिए सिर्फ 600 रुपये युवाओं से लेने चाहिए। इन्होंने जो शिक्षक भर्ती के लिए बोला है कि हम 55,000 जॉब निकालेंगे, एग्जाम ले ली है, लोगों ने एग्जाम दे दिए, उसका नतीजा भी आ गया है, लेकिन पता ही नहीं है कितने जॉब है, हवाबाजी चल रही है। MSP का क्या हुआ? आप नुकसान भरपाई देने वाले थे, क्या हुआ? खरीफ का नहीं मिला, अभी रबी भी चला गया, किसान कंटिन्यूअसली नुकसान में है। महाविकास आघाड़ी का सरकार था तो धान को 700 रुपये बोनस देते थे, आज आपने बोनस भी बंद कर दिया, उसको MSP नहीं मिल रही है। तो ये सब झूठ झूठ जो बोलना है इस सरकार का वो एक्सपोज करने सारे लोग जो है, किसान है, युवा है, महिला है, सभी रास्ते पर आज कांग्रेस के साथ। किसान जो किसानों के मुद्दे पर सरकार जो है नौटंकी कर रही है ऐसा कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंडे का। आज शीत सत्र के तीसरे दिन काफी मिली जुली प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई। वहीं पूरा लेखा जोखा देखा जाए तो विपक्ष ने सरकार को लव जिहाद, किसान आदि बड़े मुद्दों पर घेरा, तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष को कड़ा जवाब दिया है। आज सीधे तौर पर सरकार ने पूर्व मंत्री ठाकरे को असंवेदनशील होने की बात कही, तो वहीं जवाबी प्रतिक्रियाएं देते हुए ठाकरे ने किसानों के प्रति गंभीर होने की हिदायत सरकार को दी है। ऐसी कई मिली जुली प्रतिक्रियाएं आज तीसरे दिन प्राप्त हुई, तो आगे यह देखना रोचक रहेगा कि आगे यह शीत सत्र क्या शक्ल लेता है। NBC न्यूज के लिए मनीष टेमरे की रिपोर्ट।